नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इस चैनल के अंदर। आइए इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल इशू जो बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। ऑलमोस्ट 50% 60% कमेंट सेक्शन आते हैं कि सर, कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने 36700 का या 36600 का कॉल लिया भी था, मार्केट उसकी तरफ चल भी रही थी, तब भी मेरे प्रीमियम के अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देखिए सर, अगर आपने ऑप्शन में पैसा कमाना है, ऑप्शन में पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें। आप जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। आपने कभी भी अगर ऑप्शन में पैसा कमाना है, सबसे पहली बात मूव तो दूसरी बात है। बहुत से लोग मूव के ऊपर फोकस करते हैं, करिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मूव के साथ साथ आपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फोकस करना है। मूव आ भी जाएगा, पता चला मूव आ भी गया, तब भी अगर आप 36700 का कॉल लेके बैठे हैं, लेट से 36800 का कॉल लेके बैठे हैं जो 5 रुपये का या 7 रुपये का ऑलरेडी हो चुका है 2 बजे या 2:30 बजे, अब आप जितना मर्जी मूव एक्सपेक्ट कर लीजिए अपने डायरेक्शन के अंदर, ये 0 का ही होने वाला है। सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्राइक प्राइस। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे की बात करूंगा कि एक्सपायरी डे के ऊपर, पर्टिकुलरली एक्सपायरी डे के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा डे होता है जो लोगों का प्रीमियम, लोगों का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसका टोटल अमाउंट जो उनके पास होता है, उसका 80-90% भी ये खा जाता है एक्सपायरी डे। सो आपने क्या करना है, मान लीजिए जैसे आज लेट से आपने कहीं सुबह या किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, लेट से इस पॉइंट पर आपको लगने लगा कि यार अब मार्केट बढ़ सकती है, बड़ी गिर गई, अब ऐसा करते हैं बढ़ सकती है, 36800 का हम एक कॉल ले लेते हैं जो कॉल मिल रहा है लेट से 50 रुपये का या 60 रुपये का या 70 रुपये का या 80 रुपये, 80 रुपये के आसपास सुबह मिल रहा होगा 36800 वाला कॉल। अब आपने मान लीजिए 36800 का कॉल ले लिया, आपको लगा मार्केट ऊपर बढ़ेगी, पक्का लगा और मान लिया जाए पक्का मार्केट बढ़ने वाली भी है। ये सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ है जो आपने की है, सबसे ज़्यादा जो डेंजर चीज़ है वो ये आपने की है कि आपने 36800 का 80 रुपीज़ का CE ले लिया। सर, अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर ये लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाली है और ये दिन एक्सपायरी का दिन है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आगे कभी भी आप, अभी तो बहुत सी एक्सपायरी आएंगी, हर रोज एक्सपायरी, हर थर्सडे को एक्सपायरी आती है, कोई मार्केट ख़त्म नहीं हो गई, आपने हमेशा 200 पॉइंट नीचे, मतलब लगभग 36 जिस पॉइंट के ऊपर आप ले रहे हैं उस पॉइंट से 200 पॉइंट नीचे, लगभग 36500 या 36400, यहाँ का आपने क्या करना है, CE परचेज करना है। आपने देख लिया डिप आ गया, अब मार्केट अगर मेरी डायरेक्शन में आती है तो ठीक है, नहीं आती है इसी पॉइंट पर भी शाम तक बनी रहेगी, आपके प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये आपने डेंजर चीज़ क्या करी है, अभी आपने 80 रुपीज़ का ले लिया, थोड़ी देर बाद आपके डायरेक्शन में मूव आया, ये हो गया 130 का, थोड़ी देर बाद ये रह गया, अब चूंकि टाइम के साथ डीके भी होता चला जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये आ गया 50 रुपये का, अब आपको 50 रुपये का क्या करने लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक 80 रुपये का रखा हुआ है, जब एक चीज़ ऑलरेडी 80 रुपये की रखी हुई है तो 50 रुपये में तो दोबारा लेना उसको ऐसा लगता है जैसे 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि यार 80 रुपये में तो मैं लेके ही बैठा हूँ, अब वो 50 रुपये के अंदर आ गया तो लाओ एक और ले लेता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बढ़ के, अब चूंकि वो यहाँ पर पहुँचा भी तो वो 130 का नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी डीके हो चुका है, तो अब वो यहाँ पर बड़ी मुश्किल 77 रुपीज़ के आसपास हुआ। अब होता क्या है कि जैसे ही फिर वो फर्दर और गिरता है तो वो आता है 25 रुपये का, अब आपकी निगाह सिर्फ उसी के ऊपर रहती है जो आपने 80s का लिया, फिर वो 55 का ले लिया, फिर आपने 25 में और ले लिया, फिर आपने 15 रुपये में और ऐड कर लिया, और शाम को जब वो कितना मर्जी मूव आ गया वो शाम को 0 में क्लोज हो गया। यही सिनेरियो सोचिए अगर आप इस पॉइंट के ऊपर 36500 या 36400 का CE ले लेंगे, इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि लेट से आपके पास टोटल अमाउंट है 10,000 से लेके 11,000 रुपये आपके पास टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, क्योंकि ये महंगा मिलेगा, ये 36700 के आसपास आप ले रहे हैं और 36400 या 500 का CE आप ले रहे हैं, ये अराउंड आपको 300 के आसपास मिलेगा। सबसे अच्छी खासियत इसकी क्या होगी कि इसके अंदर कुछ टाइम डीके नहीं होगा, ये पूरा का पूरा जो इसका वैल्यू होगी वो होगा,
है ना। सो इसके अंदर टाइम डीके होने के चांसेस नहीं है। अगर शाम तक मार्केट इसी पॉइंट पर भी बनी रहेगी, बिलीव मी, ये जितने का लिया होगा उतने का ही शाम तक रहेगा। सो आपका चांसेस जो टाइम डीके की वजह से जीरो हो जाता है, वो तो चांसेस खत्म हो गए। अब मान लिया जाए आप गलत हो गए, मान लिया जाए आप सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी पर मार्केट उसी पॉइंट के ऊपर वोलेटाइल रह के उसी पॉइंट के ऊपर बंद हो गई। शाम तक एक तो आप एवरेजिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं बचा है, और शाम तक आप एटलीस्ट जीरो में निकलेंगे। और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लग गई, बिलीव मी ये फ्यूचर की तरह काम करता है, क्योंकि आपने डीप इन द मनी का आपने कॉल लिया है, जिसका जो होता है डेल्टा लगभग लगभग एक्सपायरी वाले दिन 1 हो जाता है, 0.1 डेल्टा हो जाता है। मतलब एक रुपया अगर आपका कॉल का इसका इंडेक्स का प्राइस इंक्रीज होगा, सो आपका कॉल का प्राइस भी एक ही रुपया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 400 पॉइंट का मूव आ जाता है, आपको डायरेक्टली 400 पॉइंट इसमें एड ऑन होके मिल जाएंगे इस सीई के अंदर। सो एक्सपायरी के दिन ये गलती बहुत लोग करते हैं कि बहुत दूर का, चूंकि वो सस्ता मिल रहा होता है, आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट के अंदर काम करते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से, जब भी एक्सपायरी के दिन अगर काम करेंगे, हमेशा डीप इन द मनी का एक कॉल या पुट लेकर ही काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, मैं पक्का बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, ये बताइएगा किस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।